नमस्कार दोस्तों, आज हम सिस्टम चेक करने के लिए आए। 15 kV से मॉडल का है सोलर PCU। इसमें जो प्रॉब्लम आ रखी है, एक तो इसमें ग्रेविटी नहीं बन रही बैटरियों में, और एक इसमें कम्युनिकेशन नॉट ओके की प्रॉब्लम है, और साथ के साथ एक लोड भी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, भाई कितना परसेंट लोड इसमें चल रहा है। तो अभी मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ। तो ये समाटन का है सुपर 15 kV। तो अभी हम इसकी जो कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है वो कार्ड चेंज करेंगे इसमें, और इस पर 15 बैटरी लगी हुई है यहाँ पे। अमेज कंपनी की बैटरी है। तो पहले तो हम इसको बाईपास करेंगे एक बार। अब बाईपास हो गया, अभी MCB डाउन करेंगे, सारी सिस्टम ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। और डिस्प्ले ऑफ होनी चाहिए बिल्कुल जब भी इसका कार्ड चेंज करना है। अब 2 से 3 बार इसको ऑन ऑफ कर दो आप। अभी सिस्टम बिल्कुल शट डाउन हो चुका है। तो अभी हम इसके कार्ड चेंज करेंगे। पहले तो हमने जो कोरियर मंगा रखा है कार्ड, तो कार्ड दिखाता हूँ आपको। अभी जो हमारे पास में आई है दिखाऊंगी, एक तो अपनी कम्युनिकेशन वायर है साथ में, एक अपना ये मेन कार्ड है इन्वर्टर का, जो IGBT को ऑपरेट करता है। ये कार्ड हमारे पास में आया है, और भी देखते हैं क्या क्या रखा है। इसका डिस्प्ले का कार्ड है, और साथ में उसकी वायर है। और इसका एक सिम कार्ड है, तो हमने सारे कार्ड निकाल दिए हैं। अभी जो कार्ड चेंज होंगे, एक तो ये वाला कार्ड चेंज होगा, और एक ये चेंज होगा, और एक अपना सिंपल कार्ड चेंज होगा। तो अब इसको हम चेंज करेंगे, इसको खोल देते हैं फिर से। डिस्प्ले कार्ड इंस्टॉलेशन करनी है। तो
साथ में इसकी कम्युनिकेशन वायर है ना, तो ये भी चेंज, पहले ये लगी हुई थी, अभी ये लगानी है नई वाली। तो इस वायर में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, इसी का नाम वायर भी चेंज कर देते हैं साथ ही साथ। और अभी इसका लगा लगा देते हैं मेन का। तो कार्ड हमने इंस्टॉलेशन कर दिया, इसमें सारे कनेक्शन हो चुके हैं हमारे कार्ड के। तो कनेक्टर हमने सारे चेक कर लेते हैं एक बार, कोई लूज तो नहीं है। ये तो सारे कनेक्टर हो गए हैं, ठीक है। और अभी करते हैं हम सेंट कार्ड को चेंज, जो ऊपर लगा हुआ है ये सेंट कार्ड चेंज कर रहे हैं। तो अभी लगा लेते हैं सेंट कार्ड को, और सेंट कार्ड चेंज करने के लिए हमारे तो वायर सारी देख के लगाएं, ये भी वायर गलत लगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कार्ड सारे खराब हो। हमारे जो नट थे वो सारे टाइट हो चुके हैं सेंट कार्ड के, इसकी वायर वो कनेक्ट कर देते हैं साथ ही साथ।
वायर लगाने में एक तो खोलनी हो तो आपको ये वायर खोलनी है तो आपको इस साइड से जो कुंदे लगे हुए हैं ना इसको आपको पीछे करना है, ऐसे पीछे कर दो वायर निकल जाएगी। और वायर डालनी है तो कुंदे दबाने नहीं है आपको, वायर का उल्टा सीधा ये होता है, एक तो इस साइड में बिल्कुल प्लेन होगा और इस साइड में जाएंगे तो आपको एक हल्का हा ये मिलेगा। तो आपको वायर ऐसे वायर डालनी है और दबा दो, अपने आप लॉक हो जाएगी। अभी हमारा सारा सिस्टम रेडी हो चुका है, एक बार हम इसको फोन करके देखते हैं क्या रहता है, वायर वगैरह चेक कर लिए हम फोन करते हैं। फोन करने से पहले पहले तो ये जो प्रेस स्विच है 10 सेकंड के लिए ये दबाए रखना आपको। दस से 15 सेकंड इसको दबाए रखना, इन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑन में लगेगा, उसके बाद में आप सारी एमसी भी उठा दीजिए। चार्जिंग चल पड़ी इसमें 7 एम्पीयर, अभी मैं लाइट यहाँ पे आ नहीं रखी, 0% लोड। इन्वर्टर ऑन हो चुका है। ये पैनल लगे हुए लीव गार्ड के अपने 15 kVA पे 12 kW पैनल लगे हुए लीव गार्ड के, सात सात पैनल की सीट बना रखी है। और यहाँ पे टोटल जो स्कूल है अपना स्कूल में लगा हुआ है सिस्टम में, तो स्कूल दिखा भी देते हैं आपको। तो स्कूल में जितने पंखे और वाटर कूलर चल रहे हैं ना वो सारे सोलर से ही चल रहे हैं हमारे। तो अपना 12 kW पैनल लगी हुई है ये वार्ड के, और स्मार्ट का इन्वर्टर है, मेजी बैठ नहीं है। और अभी हम आपको अंदर दिखाता हूँ इन्वर्टर, ये लगा हुआ अपना 15 kVA। अभी इसकी लोड भी प्रॉब्लम थी, लोड भी दिखाने लग गया, तो मैं आपको लोड दिखाता हूँ एक बार। ये 45% लोड, ये पहले ये नहीं दिखा रहा था, अब ये दिखाना शुरू कर दिया। इसके लिए जो मैन था इसका कार्ड चेंज करने पड़ते हैं, उसके लिए एक तो अपना जो डिस्प्ले कार्ड है, कम्युनिकेशन वायर, और एक अपना सेंटर कार्ड जो ऊपर था जो हमने चेंज किया था अभी। तो हमारा इन्वर्टर ओके हो चुका है, अभी इसको हम इसके पेच वगैरह सारे लगा देते हैं।